मूविंग ऑन, विराट कोहली को पीछे छोड़ के कैसा लगा? क्योंकि देखो परफॉर्म नहीं कर रहा, ही इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट. सही है? नो 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 डाउट. आगे हिस्ट्री लिखी जाएगी तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में उसका शुमार होगा. बट उसको करियर के इस स्टेज पे पीछे छोड़ के, देखो नंबर, ये रैंकिंग वैंकिंग कोई ऐसी चीज नहीं होती, बट इससे आपको फील होता है कि यार मुझे वो रिकग्निशन मिल रही है. सही है? बिल्कुल नजीब भाई, बहुत मतलब एक अलग सी फीलिंग होती है कि यार आप वन ऑफ द बेस्ट इन द गेम को आप जब पीछे चढ़ो. बेशक रैंकिंग को मैं इतना वो नहीं करता कि जिस बंदे ने 2013 से लेके 11 से लेके ऑलमोस्ट 18 तक रूल किया हो वो ही इज अ लेजेंड, उसमें कोई शक की बात नहीं है. लेकिन ये मैं कंपैरिजन मुझे नहीं पसंद के कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है. बट यस इट फील्स गुड कि आपकी जो सक्सेस रेट है ऐसे बंदे से ऊपर चला जाए कि आपकी हाइप बन जाए और आपको विराट कोहली को जो आप बीट करो ICC रैंकिंग्स में. तो तुम्हारा तो दोस्त नंबर वन है, उसको उसकी नजर उसकी पोजीशन पे नजरें हैं नंबर वन से हटाने की. ये क्यों नहीं है सर? उस दो और मैं बहुत प्रोफेशनल हमारे में है ये चीज, इसी वजह से हम दोनों का हमेशा परफॉर्म एक दूसरे के पीछे ही रहती हैं. अंडर 16 से ही ऐसे है हमारी दोस्ती, बहुत अलग लेवल पे, क्योंकि हमारी दोस्ती नहीं, दोनों का बिल्कुल भाइयों जैसा है. और एंड इट्स इट वो वाली बात है ना कि यू शुड कीप गुड कंपनी इफ यू हैव बाबर एज योर सर. अगर मेरा दोस्त बाबर मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी चीज मेरे लिए क्या हो सकती है. ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द फील्ड आपने देखा है, ऑफ द फील्ड मेरे ख्याल से ही इज द बेस्ट. और शायद उसको ऑफ द फील्ड क्योंकि थोड़ा सा जरा वो चुप चुप रहता है, थोड़ा सा सड़ू सड़ू के नाम से भी हम उसे कहते हैं, लोग कहते हैं, क्योंकि बहुत चुप रहता है वो. बस वो जितना भी खुलता है, जितनी उसकी मजाक है, वो मेरे से कम मेरे तक ही है. अच्छा, तुम्हारा दोस्त कप्तान भी है और ऑब्वियसली ही इज एट अनदर लेवल एज अ बैट्समैन, वो तो कोई सवाल ही नहीं है. कभी जिंदगी में तुम्हें कैप्टनसी की ऑफर आई, वुड यू गो दैट वे, या तुम कहते हो कि नहीं मैं अपनी बैटिंग पे फोकस करूंगा? देखिए मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है. ऑनर की बात, ऑनर की बात है पाकिस्तान के लिए. आप कैप्टनसी करो, इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट एंड समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ. और बिल्कुल सर मैं उसको जरूर एक्सेप्ट करूंगा अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरे में मेरी इतनी परफॉर्मेंस, क्योंकि कैप्टन मस्ट शुड बी अ परफॉर्मर और उसको अलग लेवल पे होना चाहिए. जिस तरह बाबर है उसकी परफॉर्मेंस से सबसे अलग है और वो डिजर्व करता है ऐसी चीजें. और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कैप्टनसी भी बहुत अच्छी हो गई है. ही नोज हाउ टू डील विद द बॉलर्स, हाउ टू डील विद द डिफरेंट प्लेयर्स. मैनेजमेंट उसकी बहुत अच्छी हो गई है. हर बंदे के अलग अलग टॉन्ट्रम्स होते हैं. तो ये मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में कैप्टनसी अंदर नहीं होती, बाहर होती है ज्यादा. हर प्लेयर को, हर बंदे को अलग अलग आपको समझाना है उसकी डील में, उसके लेवल पे जाके. तो वो बाबर को आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा करता है वो. तो बिल्कुल जरूर एक्सेप्ट करूंगा और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने जरूर मौका दिया तो जरूर करेंगे. T20 टीम में ओपनिंग स्लॉट में बड़ा मुकाबला है. जी जी जी, सही है. वहां के लिए क्या तैयारी है? नजीब भाई उसके लिए मैंने तैयारियां बहुत की हैं पिछले साल डेढ़ साल से, क्योंकि पिछले साल डेढ़ साल से ऑब्वियसली मैं T20 तो कम ही खेला हूँ. जो मेरी परफॉर्मेंसेज आई हैं वनडे और टेस्ट में आई हैं, मगर मैं तो जब प्रिपेयर करता हूँ तो मैं अपने आप को T20 का भी प्लेयर समझता हूँ, वनडे का भी और टेस्ट का भी. और मैं समझूंगा चाहे मैं कभी भी ना खेलूँ पाकिस्तान से T20, बट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप समझोगे तो दूसरों को समझाओगे ना कि मैं अच्छा हूँ. तो मैं अपनी पावर हिटिंग पे बहुत, जो कि आपने अगर देखी ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ में, तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क आया है. बट गेम सेंस T20 में थोड़ी सी डिफरेंट होती है और यू हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव. बट यह है कि मुझे चांसेस नहीं मिले. और मैंने जब जब भी पेशावर जलमी से खेला आई डिड वेल, तो मेरी कोशिश है कि मैं और अच्छा करूं. मगर अभी जिस तरह रिजवान और बाबर खेलना, आई गेस मेरा ख्याल किसी की भी जगह नहीं बनती T20 में ओपनिंग की. एंड आई रियली वॉन्ट कि वो ऐसे ही खेलते रहें, क्योंकि आपको पता है सर पे ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप हुआ है एंड इट्स नॉट गोना बी इजी ओवर देयर टू परफॉर्म. तो मेरी बेस्ट विशेज हैं उन दोनों के लिए, वो अच्छा करें. बिल्कुल सही है. लास्ट पार्ट ईद का शो रैपिड फायर मस्ट होता है. जल्दी जल्दी, तुम तो बहुत अच्छा जल्दी जल्दी देते ही हो जवाब वैसे भी. शुरुआत करते हैं. दुनिया का बेहतरीन बॉलर शाहीन, पैट कमिंग्स, स्टार्ट बुमराह. Pat Cummings. बैट्समैन विराट कोहली या बाबर आजम? तुमने कंपैरिजन की बात की थी लेकिन विराट कोहली. ठीक है. आज तक सबसे फनी सवाल तुमसे क्या किया गया है? मेरे लिए फनी सवाल वही था अभी जो मुझे से शो में शादी का पूछा गया. तुम्हें वो सवाल फनी नहीं लगा कि इंजमामुल हक सोते बहुत थे जो तुमसे हुआ? वो तो इतना वायरल हुआ. मेरे हिसाब से वो तुम्हारी जिंदगी का फनीएस्ट सवाल होना चाहिए. और उस क्वेश्चन पे जवाब भी फनीएस्ट था, इसी वजह से कह रहा हूं. वो उस क्वेश्चन पे मैं रिपोर्टर को भी सलाम करता हूं कि क्या मतलब रिलेशन था. वो असल में इतना पुराना हो गया ना, मेरे जहन में नहीं था. वो रिसेंटली वाला था. मगर वो तो इमाद भाई थे ना, इमाद भाई नीचे से ना मुझसे माफिया मांग रहे थे. कहता यार अब ये सारा दिन चलेगा, क्योंकि वो उनकी ना पहली असाइनमेंट थी पाकिस्तान टीम के साथ. तो वो चाह रहे थे कि यार कोई ना कॉन्ट्रोवर्सी ना कोई होना हो.
अब वो सवाल उसने ऐसा किया, पहले तो मैंने उसकी शक्ल देखी, यार तूने क्या सवाल, इंडियन जर्नलिस्ट था आई नो, तो मुझे फिर समझ ही नहीं आई, फिर मैंने कहा कि इसके लिए यही जवाब ठीक है, तो फिर मैंने उसको यही जवाब दे दिया, तो बिल्कुल सॉरी आई रिपीट के ये वाला ज्यादा बेस्ट था, ये तो बेस्ट था, सही है। अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? इंजीनियर, पढ़ाई में कोई इंजीनियरिंग कर रहा होता मैं, ग्लासेस और लुक वो तो पूरी बैठ रही इंजीनियरिंग है। अच्छा, ऐसा कोई बॉलर जिसको दोबारा फेस ना करना चाहते हो? राशिद खान एंड कगिसो रायवाड़ा। अच्छा, दे बोथ आर डिफरेंट एंड दे बोथ आर वेरी 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 स्किलफुल। हां, गुड चॉइस, गुड चॉइस। अगर तुम्हारे ऊपर, इमामुल हक के ऊपर फिल्म बने, विलन कौन होगा? विलन तन्वीर अहमद। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत अभी वो नीचे एक्टिंग नहीं करते। नहीं, आजकल वो तारीफें करने लगे हैं, ये मैं बता दूं। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ ना कि ये तो सब टेम्परेरी है। पहली चीज किसी इंसान में नोट करते हो, या मैं इंसान को लड़की कर दूं? लड़की करें ना, मैं बोलना बहुत नोट करता हूँ कि इंसान किस तरह प्रेजेंटेशन क्या है उसकी, वो बोलने से खाने से बहुत मैटर करता है। बट बोलना ऐसा है कि सबसे पहले आप दूसरे से इंटरेक्ट करते हो तो आप बोलते हो, बातचीत करते हो, तो हाउ ही और शी कम्युनिकेट आई रियली नोटिस। ठीक है, किस चीज पे या इन योर केस किस तनकीद पे तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? कि बाबर की दोस्ती की वजह से इमाम खेल। अच्छा, ये पर्ची और इंजमामुल हक से रिलेशन और ये सारी चीजें, इससे ज्यादा तुम्हें इस बात पे गुस्सा आता है? इससे मैं सब निकल गया हूँ। अच्छा, ये जो नाम लूंगा, एक वर्ड इस नाम पे जिनका नाम आ रहा है, एक वर्ड बोलना है, ठीक है? बाबर, अगर इसमें एम एच आजाद और उमर अकमल हुआ तो मैं जवाब नहीं, नहीं देना, नहीं देना है ही नहीं, हर दफा होता है, बस ये सही है। नहीं, मैंने बाबर आजम, बेस्ट फ्रेंड फखर जमान, पार्टनर इफ्तिखार अहमद, चाचा। अरे मैं कसम से मैंने सोचा था तुम कुछ भी बोलोगे, मैं बोलूंगा चाचा। चाचा। विराट कोहली, लेजेंड। शान मसूद, ही इज इन ग्रेट फॉर्म माशाल्लाह। इन प्लेयर्स को उनकी एबिलिटी के हिसाब से रेट करना है, सही है? बाबर आजम, विराट कोहली, जो रूट, रोहित शर्मा एंड इमामुल हक। रेट करना है, फर्स्ट विराट कोहली, जो रूट, बाबर में थोड़े तुम परेशान हो। जो रूट और बाबर में जरूर हूँ, बाबर को कहूंगा मैं, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, रोहित शर्मा, जो रूट एंड देन इमाम। अपने आप को नीचे रखा है तुमने, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा है। फेवरेट एक्ट्रेस, महविश हयात, सबा कमर, हानिया आमिर। महविश हयात पे रोक दिया मुझको, रोक दिया एक आदमी ने कहा यहाँ रुक जाओ, आगे ना बढ़ो, मुझे ऑप्शन समझ ही नहीं है। मैंने उनके साथ जल्बी के एक दो शूट किए हैं, शी इज वेरी नाइस और बहुत अच्छे हैं, और मतलब बहुत हमारा आपस में मजाक है, तो इसलिए आई विल गो विद महविश हयात।